अपने ताजा बयान में बीएलए ने कहा है कि उन्होंने 40 घंटे बाद अभी भी माच शहर पर अपना कब्जा बरकरार रखा हुआ है। उन्होंने सिब्बी में पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर भीषण हमला किया है। बीएलए ने कहा कि उनका ऑपरेशन दाराए बुलान अभी तक सफल रहा है। बीएलए ने कहा कि उसने सेना के 18 वाहनों को बीती रात सिब्बी में निशाना बनाया जो माच शहर में घुसने की कोशिश कर रहे थे ताकि वहां फंसे सैनिकों की मदद की जाए। पाकिस्तानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इस दौरान रॉकेट, मशीन गन और अन्य भारी हथियारों की मदद से पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला बोला गया। बीएलए ने बड़े गर्व के साथ कहा कि जो कोई भी ऑपरेशन दाराए बोलन को रोकेगा उसे ठोक दिया जाएगा। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान मारे गए हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये आधिकारिक नंबर है, और कई घायल हो गए हैं। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिक माच में घुसे बिना ही वहां से वापस भाग लिए। बीएलए ने कहा कि माजिद ब्रिगेड और पाकिस्तानी सेना के स्थानीय मुख्यालय में मौजूद सैनिकों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, भारतीय सोशल मीडिया का OG। पड़ोसी देश पाकिस्तान फिर से टूटने की राह पर अग्रसर है। आशंका जताई जा रही है कि 1971 की ही तरह पाकिस्तान दो फाड़ हो सकता है। पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे बलूच लिबरेशन आर्मी अर्थात BLA ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है और दावा किया है कि उसने माच और बोलन नामक दो शहरों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी सरकार का दावा है कि इस लड़ाई में अब तक 6 विद्रोही मारे गए हैं और 4 पाकिस्तानी सैनिकों की जान भी गई है। वहीं बलूचों का दावा है कि 50 से अधिक पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने उन 4 के अलावा किसी अन्य सैनिक के मारे जाने को अस्वीकार किया है। माच शहर बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के दक्षिण में स्थित शहर है और पहाड़ों से घिरा हुआ है। बलूच विद्रोही रॉकेट और असॉल्ट राइफल की मदद से ये हमले कर रहे हैं। उन्होंने पूरे शहर पर पिछले 40 घंटे से कब्जे का दावा किया है। अपने ताजा बयान में बीएलए ने कहा है कि उन्होंने 40 घंटे बाद अभी भी माच शहर पर अपना कब्जा बरकरार रखा हुआ है। उन्होंने सिब्बी में पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर भीषण हमला किया है। बीएलए ने कहा कि उनका ऑपरेशन दाराए बुलान अभी तक सफल रहा है। बीएलए ने कहा कि उसने सेना के 18 वाहनों को बीती रात सिब्बी में निशाना बनाया जो माच शहर में घुसने की कोशिश कर रहे थे ताकि वहां फंसे सैनिकों की मदद की जाए। पाकिस्तानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इस दौरान रॉकेट, मशीन गन और अन्य भारी हथियारों की मदद से पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला बोला गया। बीएलए ने बड़े गर्व के साथ कहा कि जो कोई भी ऑपरेशन दाराए बोलन को रोकेगा उसे ठोक दिया जाएगा। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान मारे गए हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये आधिकारिक नंबर है, और कई घायल हो गए हैं। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिक माच में घुसे बिना ही वहां से वापस भाग लिए। बीएलए ने कहा कि माजिद ब्रिगेड और पाकिस्तानी सेना के स्थानीय मुख्यालय में मौजूद सैनिकों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में ठूंस दिया गया, जबकि वो स्वयं को एक आजाद देश के तौर पर देखना चाहते थे। ऐसा नहीं हो सका, इसलिए इस प्रांत के लोगों का पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के साथ संघर्ष चलता रहा जो आज भी जारी है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले फिलहाल कई अलगाववादी समूह एक्टिव हैं। इनमें से सबसे पुराने और असरदार संगठनों में से एक है BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। माना जाता है कि ये संगठन पहली बार 1970 के दशक के प्रारंभ में सामने आया। जुल्फिकार अली भुट्टो के सरकार के खिलाफ बलोचों ने सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ किया, लेकिन सैन्य तानाशाह जियाउल हक के सत्ता पर कब्जे के बाद बलूच लीडरों से बातचीत हुई और इसका नतीजा ये निकला कि सशस्त्र विद्रोहियों के खात्मे के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी धीरे धीरे गायब होती गई। बीएलए ने अपनी पहली कार्रवाई 2000 की गर्मियों में अंजाम दी थी, जब इसने पाकिस्तानी अधिकारियों पर हुई बमबारी का क्रेडिट लिया था। 2004 में बीएलए ने बलूच लोगों के आत्मनिर्णय और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए इस्लामाबाद के खिलाफ हिंसक संघर्ष शुरू करने का ऐलान किया। बीएलए को पाकिस्तान, UK और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्टेड किया गया है। पाकिस्तान का 44% हिस्सा बलूचिस्तान में पड़ता है, लेकिन यहाँ की आबादी केवल 6% है। इनमें बलूच, ब्राउई और पश्तून आते हैं। बलूचिस्तान का एक हिस्सा अरब सागर का विशाल तट है, तो दूसरा इलाका अफगानिस्तान और ईरान से सटा हुआ है। बलूचिस्तान में गैस, खनिज और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। ये इलाका प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा अर्थात CPEC
का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस इलाके से गुजरता है। इस इलाके में दुनिया के कई देश खनन परियोजनाओं से जुड़े हैं। ग्वादर बंदरगाह भी इसी इलाके में पड़ता है। कनाडा की खनन कंपनी बैरिक गोल्ड की रिकोडिक खदान में 50% हिस्सेदारी है। बलूचिस्तान में इसलिए आज़ादी की मांग उठती रहती है क्योंकि इनकी भाषा और कल्चर पाकिस्तान से अलग है। इस इलाके के लोग बलूची बोलते हैं जबकि पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी का दबदबा है। इस इलाके के लोगों को डर है कि पाकिस्तान उनकी भाषा और उनके कल्चर को खत्म कर देगा। बलूचिस्तान वैसे तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है लेकिन सियासत और सेना में उसकी भूमिका नाम मात्र की है। बड़े पदों पर पंजाबी भरे पड़े हैं, बलूचों को कोई जगह नहीं मिलती। बलूचिस्तान के संगठन पाकिस्तान में इस इलाके में मानवाधिकारों को कुचलने का आरोप लगाते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बलूचिस्तान के समर्थक गायब हो जाते हैं या साजिश के तहत उनकी हत्या हो जाती है।